शक्ति बान लगल लक्ष्मण के रोबे ले रघुराई। नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह एक लग्जरियस ब्रांड है और ये चाहे कोई माने या ना माने लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी पावर स्टार पवन सिंह के हाल ही में रिलीज भक्ति गाना रोए ले रघुराई को सुन रहे थे। वहीं उन्होंने पवन सिंह की कुछ गलतियां को इस गाने में पकड़ते हुए कई सख्त कानून और निर्देश पवन सिंह के लिए बना दिए। पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देर रात 11 बजे बिहार के सीएम को फोन लगाकर पावर स्टार पवन सिंह के लिए कई कानून के साथ गाने और राम भगवान को लेकर कई पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद पवन सिंह के फैंस में काफी नाराजगी देखने को मिलने लगी है। सारी बात आपको बताएंगे। तो अगर आप गर्व से कहते हैं जय श्री राम तो इस वीडियो को लाइक करते हुए श्री राम के नाम पर एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पवन सिंह का यह भक्ति गाना रामायण कथा पर आधारित है, जो कि पवन सिंह का पहला रामायण भजन है। यह 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज प्राप्त करने के साथ खूब सुर्खियां बटोर रही है और वह राम भगवान को मानने वाले मोदी जी ने भी पवन सिंह के इस गाने को खूब सराहना किया और बिहार के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया है कि पवन सिंह के इस गाने के लिए 25 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाए।